देखो जी, 1947 में देश आजाद हुआ था। 1947 से लेके आज तक इस देश में ढेरों पार्टियां आई। मैं ये पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि तब से लेके आज तक देश की सबसे ईमानदार पार्टी अगर कोई है, आज की नहीं कह रहा, 1947 से लेके आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। हमारे यहां टिकटें ना बेची जाती हैं ना खरीदी जाती हैं। एक भी टिकट बेची नहीं गई है। अगर आप साबित कर दें, कोई साबित कर दे, सबूत देके कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी, 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा। और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये साबित हुआ, उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा उन दोनों का। उनको छोड़ने वाला नहीं है, जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो। दूसरी बात, ये फैशन चल गया है, सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो ना, तो लोग कीचड़ फेंकते हैं आपके ऊपर। ये सारी पार्टियां हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रही हैं, तरह तरह के लोग कीचड़ फेंक रहे हैं। टिकटें बेच दी, टिकटें बेच दी, टिकटें बेच दी। अगर किसी ने आम आदमी पार्टी पे गलत आरोप लगाया, ऊल जलूल आरोप लगाया, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हम लोग। उसके ऊपर भी ऐसे केस करेंगे, कानून के अंदर जितने हमारे पास एवेन्यू हैं उनको भी जेल भिजवा के रहेंगे। या तो साबित करो, अगर आपने साबित कर दिया, मैं उनको जेल भिजवाऊंगा जो भी टिकटें बेचेगा और खरीदेगा। और अगर साबित नहीं किया और आपने उल जलूल आरोप लगाए, उनको भी मैं जेल भिजवा के रहूंगा, उनको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। देखिए साहब, राजेवाल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। राजेवाल साहब अच्छे इंसान हैं। वो आए थे मेरे पास, मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मेरे को एक ऑडियो क्लिप दी, एक पेन ड्राइव दी। उस पेन ड्राइव को मैंने सुना। उस पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप है, दो आदमी बैठे हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है केजरीवाल खूब पैसे खाता है, केजरीवाल सारे काम पैसे लेके करता है। दूसरा कह रहा है मनीष सिसोदिया खूब पैसे खाता है, मनीष सिसोदिया पैसे लेके काम करता है। तीसरा कह रहा है राघव चड्ढा रोज 5 स्टार होटल जाता है। एक कहता है केजरीवाल से पैसे लेके कोई काम कराना हो मेरे को इस तरह की ऊल जलूल दो आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, तो सबूत नहीं हुआ ना। मेरी राजेवाल साहब से निवेदन है, अगर उनके पास कोई भी सबूत, वो बहुत अच्छे इंसान है, भोले आदमी है, जरूर उनको किसी ने गुमराह किया है, कि अगर कोई भी सबूत हो मुझे देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक में डाल दें। और ये जो ऑडियो क्लिप है राघव के पास है, अगर आप में से कोई सुनना चाहे राजेवाल साहब की ऑडियो क्लिप, तो एक बारी इनसे भी ले।